भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े, ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। आजकल YouTube पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी है। जी हाँ, एक फोटो जिसमें निरहुआ अपनी माँ और एक औरत के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो के बारे में दावा किया जा रहा है कि निरहुआ की पत्नी पहली बार कैमरे के सामने आई हैं, लेकिन बिंदास भोजपुरिया ने इस वायरल वीडियो का सच जानने की कोशिश की। हमने दिनेश लाल यादव निरहुआ से जब व्हाट्सएप पर बात की तो निरहुआ ने इस फोटो का सच बता दिया। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि ये फोटो पूरी तरह से झूठी है। जो महिला ब्लू कलर की साड़ी में नजर आ रही है वो असल में निरहुआ की पत्नी नहीं बल्कि यूपी के एक विधायक सुभाष पासी की पत्नी है। इनका नाम रीना है और ये निरहुआ के घर पहुंची थी उनसे मुलाकात करने के लिए, जिस दौरान ये फोटो खींची गई थी। आपको बता दें कि निरहुआ ने इस तरह की खबर के बारे में पूरी तरह से खंडन किया है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि ये सुभाष पासी की पत्नी है। वैसे इससे पहले भी निरहुआ को लेकर कई तरह की फर्जी खबरें चलाई जा चुकी हैं, तो बिंदास भोजपुरिया के जांच में ये फोटो पूरी तरह से फेक पाई गई है। वैसे आपको इस बारे में क्या कहना है अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। बिंदास भोजपुरिया के लिए आनंद कमलेश की रिपोर्ट।